पांच उपलब्धियां ऐसी मुझसे पूछ लो कि जो बीजेपी ने आम इंसान के लिए क्या करा है ये बताओ। और जे जा मत सोचो राजपूताना भाई, ये तो फैशन है, टी शर्ट बिक रही है बाजार में, मैं और खरीद लूंगा चार। और मैंने ये टॉयलेट का जो आज मुद्दा दौड़ाते नहीं है कि घर घर शौचालय, ये सोच इनकी नहीं है, ये उनसे पहले का चल रहा है। शौचालय मनमोहन सिंह की सरकार में शुरू हुए थे, मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ, मैंने खुद काम किया है। उस 3 बीघे के पट्टे को जो कांग्रेस के जमाने में मेरे दादाजी को दिया गया था, वो जमीन का जोता खोया, आज भी मैं खा रहा हूँ। हमेशा ही जनता परेशान हो गई, ये 9 साल में ही जनता परेशान हो गई, वो 70 साल की तो छोड़ दे। और कोई है ऐसा बीजेपी का समर्थक जो आगे मेरे सामने खड़ा हो? आप तो देर की जाते ना, कह रहे कि 9 साल में जनता परेशान, फिर क्यों बीजेपी को? देखो किस किस को होता समान, और जब जो अपनी अपनी राय सबको है भाई, वो 70 साल भारी नहीं पड़े, ये 9 साल भारी पड़ गए है। जे जे बताओ, ये 9 साल में हमने ऐसी कौन सी परेशानी थी जो हमने झेली नहीं है? पर वो हम पे 70 साल तो वो घर हमने देखे नहीं थे, फिलहाल ये 9 साल जरूर हमने अच्छे से देखे हैं। इतना परेशान हुए हैं कि शायद हमारे बाप दादा भी नहीं हो पाए होंगे भाई। उन 70 सालों का हमें नहीं मालूम, ये आजकल के बच्चे जो ज्ञान देते हैं ना 70 साल का, इन्हें पता नहीं है उन 70 सालों में हुआ क्या था। जो आज वो 70 सालों का जिक्र लेके आते हैं, सिर्फ जिक्र, उन्हें पता नहीं है कि हुआ क्या उन 70 सालों में। चर्चा कर रहे थे 9 साल वर्सेस 70 साल। हाँ। 9 साल आप कह रहे हैं कि बर्बाद हो गया, कामकाज नहीं हुई, क्यों लग रहा है जबकि डबल इंजन सरकार सत्ता में है, विकास की जो रफ्तार है वो तेज होती जा रही है? कहाँ से रफ्तार तेज होती जा रही है मुझे वहीं से बताओ। रोज गिनवाते हैं, जहाँ से रफ्तार शुरू हुई है मुझे वहीं से बताओ, इनसे पूछो भैया से। 2014 से शुरू हुई थी, 9 साल हो गए, वो काम हो, इनसे पूछो। मुझे आप ज्यादा ज्ञानी लग रहे हैं, ज्यादा समझदार लग रहे हैं। जहाँ से शुरू हुई है मुझे आप मोदी की 5 ऐसी मुझे व्यवस्थाएं बता दें कि जिन्होंने देश को आगे बढ़ाया हो। अब मुद्दा आएगा, कोई ना कोई भाई जरूर बोलेगा, एक आएगा राम मंदिर का, दूसरा आएगा बालाकोट का, और बाकी तो आप सब लोग जानते हैं कहाँ कहाँ से मुद्दे आएंगे निकल के, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। और जो जिस किसी को समझ में आता है तो वो आ गया बताए कि ऐसा। बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं जिस पर काम किया उन्होंने? क्या बीजेपी के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं कि जिस पर जनता के लिए काम किया हो? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, अभी भी नहीं और कभी भी नहीं। बातें तो हैं कि देखिए शौचालय बनवा दिया जो किसी सरकार ने नहीं, पहले नहीं थे क्या मैडम जी? शौचालय पहले भी थे, शौचालय मनमोहन सिंह की सरकार में शुरू हुए थे, मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ, मैंने खुद काम किया है। मनमोहन सिंह की सरकार में मिस्त्री है और उस टाइम पर आपने शौचालय के कार्यकाल को, और पढ़ा लिखा भी हूँ। क्या किया है सर आपने? अरे वैसे तो कुछ नहीं किया फिलहाल, हाँ थोड़ा बहुत जानता हूँ, की नेताओं से हिसाब की जानकारी जरूर रखता हूँ। ये मुझे पता है कि मैंने मनमोहन सिंह की सरकार में मजदूरी की है, और मैंने ये टॉयलेट का जो आज मुद्दा दौड़ाते नहीं है कि घर घर शौचालय, ये सोच इनकी नहीं है। 2014 चल रहा है क्या? ये उनसे पहले का चल रहा है, ये उनसे पहले का चल रहा है। मैं अफगान नहीं हूँ, तुम्हें देख के नहीं लग रहा है क्या? मैं अंधविश्वास में नहीं जी रहा हूँ। तो पुरानी सरकार भी देखी और मौजूदा भी देखी। मैं अभी नई को देख रहा हूँ फिलहाल, और पुरानी को याद कर रहा हूँ। इस सरकार में क्या नया देखने को मिला? आई एम द बेस्ट, राहुल द बेस्ट, राहुल इज बेस्ट, राहुल इज द बेस्ट। राहुल गांधी क्यों अच्छे लग रहे हैं? इसलिए कि जैसे नया संविधान बदला जा रहा है, इस प्रकार से नया व्यक्ति भी बदलना चाहिए। परिवर्तन चाहते? बिल्कुल बिल्कुल परिवर्तन चाहते हैं हम। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी तो कई काम कर रही है। तो बीजेपी ने जो बताओ करा क्या है? आप कोई भी व्यक्ति मुझे ये बता दो क्या करा है? दिखाते हैं मोदी के नाम का डंका बज रहा है, बता दो करा क्या है? तो यार जो बीजेपी का काम बता पाएगा? अब उन्हीं से पूछ रहा, हमें यहाँ पे जो बीजेपी 5 उपलब्धियाँ ऐसी मुझसे पूछ लो कि जो बीजेपी ने आम इंसान के लिए क्या करा है,
ये बताओ, मैं सबसे मध्यम वर्ग पे आता हूँ, सुनो, मैं सबसे मध्यम वर्ग मजदूर हूँ, मैं मजदूर, और जे जा मत सोचो राजपूताना भाई, ये तो फैशन है, टी शर्ट बिक रही है बाजार में, मैं और खरीद लूंगा चार और खरीदूंगा, ये तो भाई बिक रही है, बदन ढकने के लिए खरीद रहा हूँ। राहुल गांधी को आप पसंद कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले तो उनको कह देते कि पप्पू है, कुछ मालूम ही नहीं है अनुभव की कमी। क्या होगा मैडम जी, पप्पू का मतलब क्या है, क्या बोलते है पप्पू भाई, वो है कोई समझदार बताओ जरा, क्या बोलते है पप्पू, पप्पू का मतलब क्या है, प्रधानमंत्री ज्यादा पढ़ा लिखा है ना, वो प्रधानमंत्री ज्यादा पढ़ा लिखा है, हर चीज में उसमें हुनर ज्यादा है, पप्पू की लीटर और किलो में फर्क नहीं पता उनको, कुछ भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, क्या बोलते हैं बताइए, क्या बोलते हैं, क्यों जिस तरीके से राहुल गांधी से कर रहे हो रहे हैं, लोगों से जाकर मिल रहे हैं, उसका डर बीजेपी में है नहीं, अरे बहुत बना हुआ है मैडम जी, बहुत बना हुआ है, पूरा डर का माहौल है, करना होता तो संसद में आने से रोकते क्यों, और बताओ, अगर कोई मुद्दा नहीं होता तो आखिर में क्या आता है, जय श्री राम, अगर कोई मुद्दा है ही नहीं, कोई बोलने को बीच में बात है ही नहीं, मंदिर भी तो बना ना बीजेपी सरकार के उस पे, काल में बना है तो क्रेडिट तो ले, मैं हिंदू और जाति से वाल्मीकि हूँ, कर कुकुरम और भाई कल्याणा वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, पर आज तक इस बात को कोई जाना नहीं, और जिसने जाना है वो माना नहीं, कोई मानता है वाल्मीकि क्या थे, नहीं जानता है, मैं वाल्मीकि हूँ, मैं बीजेपी वाले तो कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्रवादी हिंदू है, ये क्या राष्ट्रवादी है, ये परिवारवादी है, बीजेपी वाले सबके नेताओं के बेटों की हिस्ट्री उठा के देख लो आप, कौन सा मिलिट्री फोर्स में है, कोई बताओ पुलिस फोर्स में दिखा दो मिलिट्री, किसी का बेटा कहीं है, बता दीजिए आपने क्या दिया, नेता राहुल गांधी होंगे और बीजेपी जा रही है, लेकिन बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है, भला मुद्दा ये आने वाला है कि भैया राहुल गांधी आएंगे तो उम्मीद यह है कि आज भी, सुनो मेरे भाइयों सुनो, आज भी हम कांग्रेस की दी हुई जमीन को जोत रहे हैं, आज भी मुझे नहीं दी है, मेरे बाप को नहीं दी है, फिलहाल मेरे दादाजी को दी थी, उस 3 बीघे के पट्टे को जो कांग्रेस के जमाने में मेरे दादाजी को दिया गया था, वो जमीन का जोता खोया, आज भी मैं खा रहा हूँ, आज भी मैं खा रहा हूँ, और ये बीजेपी वालों ने सारे पट्टे जो जितने थे वृक्षारोपण में दिखा दिया, बताओ बाग लगाओगे क्या करोगे, ये किसान को, किसान का मुद्दा कहाँ गया, अबे जमीन तो तुमने छीन ली, हाँ बताओ बताओ, आप चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, अरे तुम चिल्लाओ, मेरी चिल्लाओ, मैं चिल्लाता नहीं, चिल्लाने से होगा, मेरी बात सुनोगे ना, तुम्हारा चिल्लाना क्या चाहते